सबे कदर जगने की रात के मौके पर सभी जोन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। सबे कदर जगने की रात के मौके पर सभी जोन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल होते हुए आज साउथ जोन में यहाँ चार मीनार, मक्का मस्जिद और आगे हम लोग दौरा किए। इस दौरे में हमारे साथ शहर के जॉइंट CPSB, यहाँ के ACP चार मीनार, हमारे SHO साहब, रैपिड एक्शन फोर्स के असिस्टेंट कमांडेंट साहब, इंस्पेक्टर साहब और पूरे रैपिड एक्शन फोर्स के लोग। हम लोग इस दौरे में देखे कि सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात हुई कि केवल अपनी सेफ्टी के लिए नहीं, केवल अपने परिवार के सेफ्टी के लिए नहीं, अपने पड़ोसी के सेफ्टी के लिए, अपने मोहल्ले वाले के सेफ्टी के लिए, अपने शहर वाले की सेफ्टी के लिए हमारे सभी भाई बहन घर के अंदर रात में कर्फ्यू टाइप ऑफ सिचुएशन में अपने आप को रखे हैं। यह देखकर बहुत खुशी हुई। घर के अंदर रहना लॉकडाउन में ये केवल अपने आप को बचाने के लिए नहीं है, ये अपने पड़ोसी, अपने मोहल्ले वाले, अपने सभी को बचाने के लिए है। इसलिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। दिल में थोड़ी दुख भी है, थोड़ा दर्द भी है कि रमज़ान के इस महीने में, जो ये सबसे बड़ा फेस्टिवल का महीना है, इसमें आप लोगों को घर के अंदर रहना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ी दुख भी है। लेकिन क्या कर सकते हैं, शहर की सेफ्टी, देश की सेफ्टी सबसे बड़ी चीज़ है और इसीलिए आप लोगों ने जो ये सैक्रिफाइस किया है, ये कुर्बानी दी है कि घर के अंदर रह के इबादत करें, ये काबिले तारीफ है। और मैं ज़रूर समझता हूँ कि ऊपर से अल्लाह सुभान व तआला ये देख रहे हैं कि जो मुश्किलें हमारे हैदराबाद के लोग को, हमारे इंडिया के सभी लोगों को इस वबा के कारण हुआ है, और इसमें जो लोगों ने अपनी ज़रूरतों की कुर्बानी की है, जो गरीब लोग को तकलीफ़ हुई है, जिनकी रोज़ी रोटी कुछ कम हुई है, उन सबको ज़रूर अल्लाह सुभान व तआला कॉम्पनसेशन देंगे आगे, मुझे इसका पूरा भरोसा है। आज जगने की रात और फिर दो दिन के बाद जमातुल विदा, इस तरह के फेस्टिवल में जो एक अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल, एक संयम, एक अपने आप को रोक के रखने का जो एक मिसाल पेश किया है आप लोगों ने, वो आगे बहुत दिनों तक लोगों के जहन में रहेगा और याद रखेंगे। 10 साल के बाद, 50 साल के बाद जब इतिहास लिखा जाएगा, तो आज का जो साल है ये 2020, जब इसकी चर्चा होगी, जब इसके बारे में बात होगा कि कोरोना वायरस के समय क्या क्या हुआ, तो इस पाक महीने रमज़ान को ज़रूर याद किया जाएगा। ये अपने किस्म का एक यूनिक रमज़ान रहा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप और हम मिलकर जिस तरीके से गवर्नमेंट के बताए हुए डायरेक्शंस पर एक साथ चल रहे हैं, दूसरे देशों की के कंपैरिजन में, दूसरे शहरों के कंपैरिजन में हैदराबाद शहर सबसे पहले इस चीज़ से बाहर निकलेगा। और इसमें मैं आप लोगों से पूरी उम्मीद करता हूं, खास करके अपने छोटे बच्चों को बिल्कुल घर से ना निकलने दें। बार बार हम लोग इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग
दोनों के ऊपर ये कोरोना वायरस का कुछ ज़्यादा असर रहता है। इसलिए आपकी और हमारी जिम्मेवारी है कि घर के बुजुर्ग और छोटे बच्चों को बिल्कुल बचा कर रखें। इकोनॉमिक रीजन के कारण कुछ लॉकडाउन में कंसेशंस रियायत दी गई हैं गवर्नमेंट के तरफ से, अल्टरनेट शॉप्स भी ओपन किए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी वायरस चला गया। वायरस अभी है और वायरस अभी रहेगा, इसलिए इससे बचने के लिए जो बताए हुए तरीके हैं, साबुन और पानी से हाथ धोना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, फेस पर हमेशा मास्क लगाकर रहना, इन सब चीज़ों का एक डिसिप्लिन से अभी भी सबको जरूर इसको रखना है और इसका पालन करना है। हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट के तरफ से आज जितनी भी ट्रेन्स गई हैं अब तक माइग्रेंट लेबरर्स के लिए, 1,00,000 से ज्यादा लोग अभी तक जा चुके हैं। जैसा कि हमारे सीएम साहब ने पहले कहा था कि जब तक जो भी तेलंगाना में रहेंगे हमारी जिम्मेवारी है उनको खिलाने के लिए, उनको रखने के लिए, लेकिन अगर इमरजेंसी में कोई इंसान अपने वतन अपने गांव को जाना चाहता है अपने फैमिली से मिलने के लिए तो उसकी भी इंतजाम की गई है और हर दिन लगभग 10 से 15 ट्रेन पिछले 15 दिनों से जा रही है। और इन माइग्रेंट लेबरर से बात करने से पता चला कि 95% लोग अपने फैमिली से मिलकर महीने डेढ़ महीने में वापस आएंगे और वापस जो उनकी रोजगार है यहां काम करने का जो साइट है वहां दोबारा आएंगे। इस तरह की मुश्किलें जिंदगी में आती हैं और इस तरह की मुश्किलों में यही देखना पड़ता है कि हम और आप एक मिलकर यूनिटी के साथ कैसे रह रहे हैं। और आज इस रमजान के 5 महीने में सब लोगों ने मिलकर यह दिखा दिया कि देश का जो इंटरेस्ट है, जो देश का हित है, वो सबसे ऊपर है। चाहे वो कोई भी हो, हम लोग सब अपने पड़ोसी की इज्जत करते हैं और हम सब यही चाहते हैं कि केवल हम ही सेफ नहीं रहें, हमारे पड़ोसी भी सेफ रहें। तो एक बार फिर पूरे हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और आपको सैल्यूट करता हूं कि आपने जो डिसिप्लिन, आपने जो सेल्फ कंट्रोल का एक नमूना पेश किया वो रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। शुक्रिया। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।